ओके okay गाइज इस वीडियो में हम पढ़ते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीट्स ठीक है अब वीट्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ वीट्स क्या है और उससे प्रोटेक्ट क्यों करना है और कैसे करना है बूजो एंड पहेली वेंट टू द नियर बाई वीट फील्ड एंड सो देर वेर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड ग्रोइंग अलोंग विथ वीट प्लांट्स बोल रहे बूजो एंड पहेली गए वीट फील्ड में उन्होंने देखा कि आपको वीट प्लांट्स के साथ साथ कुछ बाकी भी प्लांट्स फील्ड में ग्रो कर रहे हैं हैव दिज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजली क्या बोल रहे हैं की जो भी अदर प्लांट्स है क्या इसको पर्पजली प्लांटेड किया गया है इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स दीज अनडिजरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स सो बोल रहे क्रॉप्स के साथ साथ जो अनडिजायर अनडिजायरेबल प्लांट्स क्या होता है अनडिजरेबल क्रॉप क्या होता है जो अनवॉन्टेड है जो हमने ग्रो नहीं किया वो ग्रो कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों वीट्स बोलते हैं द रिमूवल ऑफ वीट्स इज कॉल्ड वीडिंग अगर इस अनवॉन्टेड प्लांट को जो वीड्स कहते हैं अगर उसको आप रिमूव कर रहे हो सो इट इज कॉल्ड वीडिंग वीडिंग इज नेसेरी सिंस द वीट कंप्लीट विथ अ क्रॉप प्लांट फॉर वाटर न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस एंड लाइट तो वो कंपीट करता है किन किन चीज़ों के लिए वाटर न्यूट्रिएंट्स या स्पेस एंड लाइट के लिए ठीक है तो अभी हमने लास्ट में ही पढ़ा था कि अगर आप इवन सो भी करते हो या सोइंग भी करते हो आप क्रॉप के लिए तो क्या करते हो आप पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मेंटेन करते हो क्यों क्योंकि वाटर न्यूट्रींस स्पेस एंड लाइट की किसी क्रॉप को या किसी प्लांट को प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली वीड्स तो आप ग्रो नहीं कर रहे बट तो भी वीड ग्रो हो रहा है तो इसलिए क्या करते हैं हम इसे रिमूव करते चलते वीड्स को सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजन्स फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स कुछ वीड्स क्या होता है कि ठीक है हार्वेस्टिंग के टाइम पर इंटरफेयर करते हैं और कुछ वीड्स क्या होते हैं आपको पॉइजन्स भी होते हैं किन किन के लिए या एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के लिए फार्मर्स एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देर ग्रोथ फार्मर्स क्या करते हैं बहुत सारे तरीके अपने अपने अपनाते हैं किस चीज़ के लिए कि वीड्स की ग्रोथ को कम कर सके टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स टिलिंग क्या हो गया आप नो लूजिंग ऑफ सॉइल जो हमने पीछे पड़ा है तो जब आप सो करने जाते हो तो क्या करते हो आप पहले उसे रिमूव कर देते हो अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स क्या होता है आपने निकाल दिया तो इससे क्या हो गया वीड्स किल हो गए विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉयल तो क्या होगा वो अब खत्म हो गया ड्राई हो जाएंगे और सॉइल से मिक्सअप हो जाएंगे द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर द प्रोड्यूस फ्लावर एंड सी तो बेस्ट टाइम क्या होता है उसको रिमूव करने के लिए जब वो सीड्स या फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर रहे उससे पहले ही आप उसे रिमूव कर रहे हो द मैनुअल रिमूवल includes द फिजिकल रिमूवल ऑफ weeds by uprooting और कटिंग them क्लोज टू द ग्राउंड तो आप मैनुअली कैसे रिमूव कर सकते हो या तो बिल्कुल उसे जड़ जड से खत्म कर दो means रूट से निकाल दो या फिर क्या करो बिल्कुल ग्राउंड से टच करके आप उसे कट करके भी निकाल सकते हो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी या तो आप उसको खुरपी के हिसाब से भी कर सकते हो आपको फिगर वन पॉइंट टू भी आपको पहले हमने कर लिया था अप रूट करने के लिए वीट को वीट्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टन केमिकल्स तो वीट को आप कैसे कंट्रोल करते हो किसी सर्टन केमिकल से जैसे कुछ वीडी साइड का एग्जाम्पल आपको पूछेगा टू फोर डी ठीक है ध्यान रखना यहाँ से आपको वन मार्क को का क्वेश्चन आपको आ सकता है यहाँ पे वीट्स के आपको डेफिनेशन आ सकती है वीड़... आपको वीडिंग की डेफिनेशन आ सकती है यहाँ पे देखिए द रिमूवल ऑफ वीट यहाँ पे आपको वीडी साइड की एग्जाम्पल पूछ सकते हैं टू फोर डी दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल दीट्स तो इसको स्प्रे किया जाता है ये देखिए स्ट्रिंग वीडी साइड या बहुत कॉमन है ये आपने देखा होगा वीज को किल करने के लिए द वीडी साइड आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद अ स्प्रेयर तो क्या होता है वो वाटर्स में मिक्स करके थोड़ा डाइल्यूट कर दिया जाता है तो जितना चाहिए आपको फील्ड में उसको स्प्रे से पूरे एरिया में डाल दिया जाता है डू वी डी साइड हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडी साइड स्प्रेयर क्या जो वी डी जो यूज कर रहा है कोई पर्सन तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है एज ऑलरेडी मैंशन द वीडी साइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन बोल रहे हैं कि हमने पहले ही बता दिया कि वीडी साइड्स हम कब डालते हैं फिर वीड्स को हम मोस्टली तब रिमूव करते हैं जब वेजिटेटिव ग्रोथ से पहले मतलब जब फ्लावरिंग ना हो रहे हो और सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा हो द स्प्रेइंग ऑफ वीडी साइड्स में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर सो दे शुड यूज द केमिकल्स वेरी केयरफुली तो जो भी ये विडिसाइड जो यूज कर रहा है जो भी आदमी यूज करके स्प्रे कर रहा है जो भी इंसान तो उसे क्या होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन लेना होना चाहिए या तो वो हाथ में ग्लव्स पहन ले या प्रॉपर मास्क यूज़ करे ये देखिए मास्क यूज़ कर रहा है ठीक है या फिर आप हाथ में ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हो जो आपने स्प्रे करने के लिए जो पाइप लिया है उससे अगर बाई चांस टच भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम ना हो दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स ठीक है आई डोंट थिंक सो बच्चों यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नेक्स्ट है आपका हार्वेस्टिंग ये हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में